एकुंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ भंग गुर प्रसाद जप पाद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर है। सो आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है, सेवन्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको एफ एक्स की वैल्यूज दी हैं। ये एफ एक्स is equal to ये, एफ एक्स इज इक्वल टू ये, एफ एक्स इज इक्वल टू ये, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -3, इफ एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3। सो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कॉन्टिन्यूस है, कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस है, ये बताना है। वैसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। So, अब पहले कॉन्टिन्यूस का मतलब बताना चाहिए। अब देखिए आप क्या करने, मीन्स कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि ग्राफ अगर आप बनाएं, जो भी आपको कर्व्स या जो भी इक्वेशन दिया उसका ग्राफ बनाएं, वो एकदम कॉन्टिन्यूस चलता जाए, बीच में कोई गैप ना। जैसे पहला ग्राफ है उसको आपने बनाया, सपोज वो कुछ ऐसे बना, दूसरा ग्राफ जब बनाया वो कुछ ऐसे बना, तीसरा ग्राफ बनाया वो कुछ ऐसे बना, देखो यहाँ पे गैप आ गई, तो मतलब ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा, मीन्स वो ग्राफ बनाना। अब या फिर और मीन, जैसे आप मीन अगर पहला ग्राफ बना ऐसे है, दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है, मतलब कहीं पे गैप आ रहा नहीं, सभी जगह एक दूसरे के, सभी ग्राफ एक दूसरे के साथ जॉइंटेड है, मतलब वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। बट अगर कहीं से भी गैप क्रिएट होगा तो वो डिसकॉन्टिन्यूस होगा। मतलब आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका नंबर वन क्या है, आप इसका ग्राफ बना ले, फिर इस चीज का ग्राफ बना ले, जैसे आप नाइन्थ में बनाते थे, फिर इस चीज का बना ले, फिर वो ग्राफ बनाने के बाद देखें कहीं पे गैप है कि नहीं, अगर गैप होगा वहां पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ये अगर इस तरीके से करेंगे पेपर में एक ही क्वेश्चन होगा, सारा पेपर क्वेश्चन छूट जाएंगे। बेटर तरीका ये है, ये थोड़ा टेक्निकल तरीका है, मींस आपको पहले पॉइंट क्या नजर आया, -3, फिर क्या नजर आया, 3, मींस पहले हम -3 को कंसिडर करेंगे, फिर हम किसको कंसिडर करेंगे, इस 3 को कंसिडर, +3 को कंसिडर, पहले हम -3 को कंसिडर करते हैं। सो लिमिट इसको कैसे रीड करते हैं, एक्स अप्रोचेस टू -3 की पावर -, फिर इसे कैसे रीड करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 की पावर +। -3 की पावर -का मतलब क्या होता है, -3 से छोटा एफ एक्स की वैल्यू क्या है, लाइक लेस देन -3, मॉडुलस एक्स +3। फिर -3+ मतलब -3 से थोड़ा बड़ा, वो क्या, -3 से थोड़ा बड़ा -2x, ठीक है, हमने यहाँ पे फिल कर दिया, -3 से थोड़ा छोटा ये हो गया, -3 से थोड़ा बड़ा यानी -3 की पावर +, मतलब -3 से बड़ा, x is greater than -3, वो मेरा fx क्या था, -2x। अब जब हमारे पास यहाँ पे नंबर नेगेटिव हो, देखो जैसे नंबर -3 नेगेटिव है, 0 से छोटा है, जब भी 0 से छोटा होगा जब मॉडुलस हटता है तो वो साइन क्या आ जाता है उसके साथ, माइनस। अगर ये पॉजिटिव होता मॉडुलस हटता तो वो प्लस ही आना था, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे मैंने मॉडुलस हटा दिया और -x आ गया, अगर यहाँ पे -3 की बजाय +3 होता, यहाँ पे +3 होता तो मेरे पास ये +x ही होता था। अब मैं यहाँ पे वैल्यू फिल कर दूंगा, माइनस मीन्स एक्स की जगह -3 फिल करूंगा, देखो, और ये माइनस फॉर्मूला वाला माइनस, देखो ये रहा, फिर एक्स की वैल्यू -3 फिल कर दी, -3 -3 +3 +3 +6, ये 6 आ गया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे गया, एक्स अप्रोचेस टू -3 की पावर +, -3 से बड़ा ये -2x था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -2x। अब एक्स की वैल्यू मैंने -3 फिल करी, 6 आ गया। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, एफ ऑफ -3, मतलब एक्स की वैल्यू इक्वल टू 3 कहाँ पे थी, यहाँ पे देखो ग्रेट लेस देन और इक्वल टू का साइन था, मतलब एफ एक्स -3 के इक्वल कहाँ पे था, मॉडुलस एक्स +3 पे। So, modulus x, अब x की वैल्यू नेगेटिव है तो जब मॉडुलस हटता है तो बाहर क्या आ जाता है, माइनस का साइन, सो माइनस फॉर्मूला वाला, और ये -3 -3 +3 +3 6। सो ये हमारा हो गया कि इसमें ये आया, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 की पावर -, की वैल्यू 6 आई, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 की पावर +, की वैल्यू 6 आई, और f ऑफ -3 की वैल्यू 6 आई, ये हो गया हमारा। उसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा आप, मेरे को अगला पॉइंट क्या नजर आ रहा है, ये 3, देखो ये 3 नजर आ रहा है। सो अब मेरे को 3+3 मींस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 की पावर -, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू +3 की पावर +fx,
सो 3 की पावर माइनस मतलब 3 से छोटा एफ एक्स कहां पे, एक्स इज लेस देन 3 माइनस 2x है। फिर 3 से बड़ा एफ एक्स क्या है, 6x प्लस 2 है, देखो 3 से बड़ा। तो मैंने यहाँ पे अब क्या कर दी, x की वैल्यू 3 फिल कर दी, x की वैल्यू 3 फिल कर दी, यहाँ पे माइनस 6 आया, यहाँ पे 20 आया। फिर एफ ऑफ 3 फिल करा, मतलब जहां पे इक्वल एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू का साइन पड़ा, मतलब एक्स की इक्वल टू 3, यहाँ पे 6x प्लस 2, हमने एक्स की जगह 3 फिल कर दिया, 20 आ गया। अब देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 माइनस कितना है, माइनस 6, 3 प्लस कितना है, प्लस 20, एफ ऑफ 3 20, तीनों इक्वल नहीं है ना, देखो तो ये फंक्शन यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 3 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये माइनस 3 पे कॉन्टिन्यूअस है कि माइनस 3 पे यहाँ पे भी 6 था, यहाँ पे भी 6 था, यहाँ पे भी 6 था। फिर मैंने इसीलिए अब लिखा कि आपके लिए यहाँ पे लिख दिया, देखो स्टेप, एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 3, इज इट मींस ये सभी की वैल्यू 6 आ रही है ना, ये तीनों वैल्यूज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 3 एफ एक्स, एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस 3 प्लस एफ एक्स एफ ऑफ माइनस 3, तीनों इक्वल है, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, मैंने क्या लिखा, एक्स अप्रोचेस टू 3 प्लस एफ एक्स, जरूरी नहीं कि प्लस लिखो, पहले एक्स अप्रोचेस टू 3 माइनस एफ एक्स 3 की पावर माइनस, फिर एक्स इज अप्रोचेस टू 3 की पावर प्लस एफ एक्स आर नॉट इक्वल, हेंस इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3, क्वेश्चन खत्म हो गया। सो अब ये बेस हो गया आपके लिए, अच्छे से करिएगा इस क्वेश्चन को।